अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तुलबा को नई वीडियो में खुश आमदीद। आज के इस वीडियो में हम इंशाल्लाह ये समझेंगे कि काम किसे कहते हैं, यानी वर्क किसे कहते हैं। आम जबान में इसका कोई भी मतलब हो, लेकिन फिजिक्स में इसकी मखसूस और डेफिनेट मीनिंग है। इसी को हमने समझना है और मैंने आपके सामने ये बोर्ड पर प्रिपरेशन की हुई है ताकि वीडियो का वक्त कम लगे। तो वर्क पहले डेफिनेशन सुन लें कि इफ़ अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी एट अ डिस्टेंस ऑफ एस मीटर टू इट्स ओन डायरेक्शन वी सेट टू बी वर्क इज डन। जब किसी जिस्म पर फोर्स लगे और फोर्स जिस्म को किसी भी फासले तक ले जाए, एक मीटर दो मीटर थोड़ा ज़्यादा अपनी ही डायरेक्शन में, तो फिर हम समझते हैं कि काम हुआ है। और अगर फोर्स की डायरेक्शन में डिस्टेंस बिल्कुल भी कवर नहीं हुआ, फोर्स बेशक लगी है और जिस्म ने डिस्टेंस भी कवर किया है, लेकिन अगर फोर्स की डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर नहीं हुआ तो फिजिक्स के रूप से जिस्म पर काम नहीं हुआ। तो ये दो डायग्राम्स आप बोर्ड पर आप देख रहे हैं, ये जिस्म यहाँ पर रखा हुआ है, इस पर एक फोर्स लगती है और फोर्स की डायरेक्शन में ये जिस्म कुछ डिस्टेंस एस कवर करके एक नई पोजीशन पर पहुँच जाता है। तो अब फोर्स जिस डायरेक्शन में अप्लाई हुई है उसी डायरेक्शन में जिस्म ने डिस्टेंस कवर किया है, तो ये समझा जाता है कि इस जिस्म पर फोर्स ने काम किया है। ये काम कितना है तो उसके लिए फार्मूला ये है, डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट एस, यानी एफ मल्टीप्लाई बाई एस। अब यहाँ से दूसरी डेफिनेशन भी मिल जाती है इस फार्मूले से, या डेफिनेशन से फार्मूला मिल जाता है, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस टू इट्स ओन डायरेक्शन इज कॉल्ड वर्क डन। यानी किसी भी जिस फोर्स और फोर्स की डायरेक्शन में कवर होने वाले फासले का मल्टीप्लाई हासिल जरब काम को शो करता है। अब यहाँ देखिए एक डायग्राम और है, सपोज इट इज अ ब्रीफ केस और अ बॉक्स। ये कोई ब्रीफ केस है जो कोई बंदा उठाकर ले जा रहा है। अब जब वो उठाएगा, उसे उठाकर ले जा रहा है, तो वो इसके वेट के बराबर फोर्स ऊपर की तरफ कंटिन्यूस लगा कर रखेगा ताकि उसके हाथ में रहे, गिरे नहीं, और एक ही लेवल पर लेकर वो चल रहा है। अब फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, डिस्टेंस इस डायरेक्शन में कवर हो रहा है एरो की डायरेक्शन में, दोनों में जो एंगल है इस वक्त 90 डिग्री है। जितनी देर भी बंदा इसी तरह ब्रीफ केस को या किसी और वजन को इस अंदाज में लेकर जाता है, तो फोर्स की डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस कवर नहीं होता। डिस्टेंस इधर कवर हो रहा है, फोर्स ऊपर की तरफ कंटिन्यूस लग रही है, फोर्स की डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर नहीं होता, तो हम ये कहते हैं कि इस ब्रीफ केस पर कोई काम नहीं हुआ, यानी नो वर्क इज डन ऑन द ब्रीफ केस। ब्रीफ केस पर कोई काम अंजाम नहीं पाया। अब आम जबान में ये बात अकल के खिलाफ है कि बंदा ब्रीफ केस वजनी उठाकर लेकर जाता है और वो थक भी जाता है और एक फिजिक्स कहते हैं कि उसने कोई काम नहीं किया, तो हकीकत में उसने ब्रीफ केस पर काम नहीं किया। साइंटिफिकली काम किया है, अगर वो मजदूर है तो यकीन अपनी मजदूरी लेने का हकदार है। जब वो एस डिस्टेंस तक लेकर जाएगा इस वजन को, तो वो यकीन काम करता है, लेकिन वो कौन सा काम करता है वो अलग मौजू है। लेकिन ब्रीफ केस पर कोई काम नहीं हुआ डिस्टेंस एस कवर होने के दौरान। इसकी बात समझ लें, जब फोर्स लगे किसी जिस्म पर, फोर्स की डायरेक्शन में काम डिस्टेंस कवर हो, तो हम कहते हैं काम हुआ है। और वो काम कितना होता है, डिस्टेंस और फोर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो काम पता चल जाएगा। अब एक तीसरी सूरत समझें कि ये वही जिस्म है, कोई भी जिस्म है, इस पर फोर्स एंगल बनाती हुई लगती है डिस्टेंस के साथ। ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और ये है
डिस्टेंस कवर होने की डायरेक्शन। यहाँ जो मैंने एंगल शो किया है ये, और ये एंगल एक ही है, तो ये इस जिस्म पर फोर्स लग रही है, जिस्म फोर्स की डायरेक्शन में मूव नहीं करता, फोर्स ये है, जिस्म हॉरिजेंटली यानी उसकी डायरेक्शन में मूव करता है और एस डिस्टेंस कवर करता है। तो अब इस सूरत में काम कैसे निकालेंगे, या ये कि काम हुआ या नहीं, तो दोनों चीज़ों को टैली करें, आपस में कंपेयर करें। तो यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर हुआ, बजाय यहाँ फोर्स की डायरेक्शन में तो बिल्कुल भी डिस्टेंस कवर नहीं हुआ, लेकिन यहाँ हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के रूल को समझेंगे। फोर्स इज अ वेक्टर और वेक्टर कैन बी रिजोल्व इनटू इट्स कंपोनेंट्स। तो यहाँ देखिए मैंने दो कंपोनेंट्स में इसे रिजोल्व किया है। जब फोर्स इस दिशा पर एंगुलरली लगती है तो इस फोर्स के दो हिस्से हो जाते हैं, एक हिस्सा जिस तरफ जिस्म मूव कर रहा है या जिस तरफ डिस्टेंस कवर हो रहा है, इस फोर्स का एक कंपोनेंट उस डायरेक्शन में अप्लाई होता है और एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ अप्लाई हो रहा है। ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का हिस्सा है, आप उसमें समझे इस चीज़ को। लेकिन फिलहाल यहाँ याद रखें कि जब भी कोई वेक्टर कहीं पर मौजूद हो तो हम उसको कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर सकते हैं। तो ये जो कंपोनेंट्स हैं ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाते हैं, क्योंकि इनका आपस में एंगल 90 डिग्री का, ऐसे कंपोनेंट्स को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। इसमें ये वाला जो कंपोनेंट है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, इसे एफएक्स यानी फोर्स का एक्स कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये वर्टिकल कंपोनेंट कहलाता है, क्योंकि ये वाई डायरेक्शन है, वाई एक्सिस की डायरेक्शन है, मैथ में आप लोगों ने पढ़ी है, ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है, तो इसलिए इसे एफ एक्स और इस कंपोनेंट को एफ वाई कहा है। अब जो वर्क डन है वो एफ एक्स जो इस फोर्स का कंपोनेंट है जो एक्स डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, और हकीकत में जिसम को यही वाला लेकर जा रहा है एस फासले तक, एस डिस्टेंस तक, तो हम इस कंपोनेंट और डिस्टेंस को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन सामने आएगा। तो फार्मूला इस तरह हो जाएगा बजाय इस तरह होने के। तो अब एफ एक्स डॉट एस डॉट यहाँ मल्टीप्लाई के लिए है, तो एफ एक्स मल्टीप्लाई में जब एस करेंगे तो वर्क डन सामने आएगा। अब एफ एक्स जाहिर है एफ से कम है, इसलिए यहाँ पर वर्क डन फोर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मुकाबले में कम होगा। अब हम इस एफ एक्स की वैल्यू निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्री की मदद से। तो ट्रिग्नोमेट्री में कोसाइन थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। तो हमारी इस डायग्राम में देखिए जो थीटा है, थीटा के सामने वाली जो साइड होती है इसे परपेंडिकुलर कहते हैं, 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और ये जो तीसरी साइड बची है बेस है। तब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हमारे पास एफ एक्स है और हाइपोटेन्यूज फोर्स वाला वेक्टर या उसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो एफ एक्स अपॉन एफ ये ट्रिग्नोमेट्री के रूप से हमें यहाँ से हासिल हो रहा है, और जब हम इसको इधर लाएंगे तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलेगा एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। तो ये एफ एक्स की वैल्यू मिल गई, ये फार्मूले की शक्ल हासिल हो गई। ये वैल्यू अब इसमें पुट करेंगे तो ये बन जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा डॉट एस, और इसे ये क्योंकि अब तीन चीजें मल्टीप्लाई हुई है, एफ मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई एस, तो एस को उठाकर यहाँ लिख देते हैं, आसानी के लिए फार्मूला सा इजी हो जाता है। तो ये इस तरह हो जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। एक और सिंपल आसानी के लिए याद रखें कि ये डिस्टेंस मैंने स्ट्रेट लिया है, और जब डिस्टेंस स्ट्रेट हो तो फिर इसे डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, और एस के बजाय डी भी यूज करते हैं। अगर एस को डी से बदल दें तो फिर यही फार्मूला इस तरह हो जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी कोस थीटा। मतलब कोई खास इसमें तब्दीली नहीं आई, तो कभी इस तरह लिखा होता है कभी इस तरह, दोनों का मतलब एक ही लिया जाएगा, और वर्क डन निकालने का ये फार्मूला उस सूरत में काम आएगा जब फोर्स और डिस्टेंस
आपस में एंगल थीटा, कोई एंगल बना रहे हो, एक डिग्री, दो डिग्री, दस डिग्री, बीस डिग्री, तीस डिग्री, तो फिर हम इस फार्मूले से वर्क मालूम कर सकते हैं। आखिरी चीज जो आपने समझनी आज में इसी में समझा देता हूँ, वो है यूनिट ऑफ डब्ल्यू। अब वो यहां से हम लेंगे, देखिए एफ मल्टीप्लाई बाई एस, फोर्स का यूनिट है न्यूटन, तो एफ की जगह पे एन लिखेंगे, और जो डिस्टेंस है डी या एस उसका यूनिट है मीटर, तो हम लिखते हैं न्यूटन मीटर। ये न्यूटन मीटर जो है ये यूनिट ऑफ वर्क है, काम को जब नापना होगा तो न्यूटन मीटर में नापेंगे। अब न्यूटन मीटर क्या है, तो बहुत इजी है, अगर किसी जिस्म पर फोर्स एफ अप्लाई हो 1 न्यूटन की और वो जिस्म डिस्टेंस भी कवर करे 1 मीटर, यानी अ फोर्स ऑफ 1 मीटर अप्लाई ऑन अ बॉडी टू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, द वर्क डन इज कॉल्ड 1 न्यूटन मीटर, यानी 1 न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन की फोर्स 1 मीटर तक किसी जिस्म पर लगे तो इसी को हम कहते हैं 1 न्यूटन मीटर, और 1 न्यूटन मीटर इज कॉल्ड 1 जूल। आज के लिए इतना काफी है, इस जूल पर मजीद बात भी होगी, इससे पिछली एक वीडियो में, बल्कि आखिरी एक वीडियो में आपको मैं थोड़ा सा इसका जिक्र करूंगा कि जूल आपने सीखना है, तो अभी से सीखने पे फंसेंगे आप। अल्लाह हाफिज़।